दिखाओ। देखो एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। हजरत जुन्नून मिस्री एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत जुन्नून मिस्री बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उनका आलम ये था कि जब जुन्नून मिस्री नमाज पढ़ के पढ़ते तो गैर देवता को मुसलमान हो जाता और अपने देखते तो नमाज पढ़ना शुरू कर देते। गैर देवता तो मुसलमान हो जाता, अपने देखते तो नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब यहूदियों ने देखा कि हमारी जमात का जो आदमी जुन्नून मिस्री की नमाज को देख लेता है वो उन्हीं का उठाया जाता है, लिहाजा यहूदियों ने मशवरा किया कि जुन्नून मिस्री को अल्लाह लेला नमाज पढ़ने से रोक दिया जाए। तमाम यहूदी इकट्ठा हुए, सबके हाथ निकलवा दिया। जुन्नून मिस्री की बारगाह में पहुंचे, जुन्नून मिस्री ने देखा कि सबके सब आ रहे हैं। यहूदियों के सरदार से पूछा, तुम लोग किस लिए आए हो? काय मुसलमानों के इमाम, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि जब आप नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, तो हम आपकी इबादत पर रोक नहीं लगाते, मगर आप नमाज पढ़ो मगर झुक करके नमाज पढ़ो। कहा क्यों? क्यों कहा? इसलिए कि हमारी जमात का जो आदमी आपकी नमाज को देख लेता है वो आपका हो जाता है। जुन्नून मिस्री मुस्कुराने लगे, कहा ये लोगो, ये तो हमारे इस्लाम के कानून की खूबसूरती है। इस्लाम के कानून की खूबसूरती है कि जो देखता है कशा कशा चला आता है, जो देखता है कशा कशा चला आता है। कहा नहीं नहीं, अल्लाह लेला नाम से तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, और अगर तुमने नमाज पढ़ी तो देखिए हम 200 यहूदी इकट्ठा आए हुए हैं, हमारे हाथ में तलवारें हैं और हम इतनी तादाद में हैं कि आपकी जितनी इतनी जमात है उन जमात पर हम भारी पड़ेंगे, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। जुन्नून मिस्री ने टाइम देखा, जोहर का टाइम हो रहा था। जुन्नून मिस्री ने मुसल्ला उठाया, मुसल्ला उठा करके मैदान में पहुंचे, मुसल्ला बिछाया और यहूदियों को ललकारा, देखो हम अल्लाह लेला नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रोको। 200 यहूदी इकट्ठा थे, सबके हाथ में तलवारें, सबने तलवार निकाल निकाल करके जुन्नून मिस्री को घेर लिया, मगर हिम्मत किसी के अंदर नहीं कि तलवार मारे जुन्नून मिस्री के ऊपर। जो यहूदी जहां पर खड़े थे वहीं पर खड़े रहे। जुन्नून मिस्री नमाज की नियत बांधते हैं, नमाज की नियत बांधने के बाद किरत करते हैं, किरत करने के बाद रुकू में गए, रुकू के से सजदा किए, सजदा से अतैयात में बैठे और अतैयात में बैठने के बाद जब जुन्नून मिस्री दाहनी जानी सलाम फेरते हैं, वो सलाम का फेरना था। जो यहूदी दाहनी जानी खड़े हुए थे सबके हाथों से तलवार छूट जाती है और सब पढ़ लेते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब बाई जानी सलाम फेरा तो बाई जानी वालों ने कलमा पढ़ लिया, नजर सामने उठाई तो सामने वालों ने कलमा पढ़ लिया, नजर पीछे की तो पीछे वालों ने कलमा पढ़ लिया। 200 यहूदियों को 2 रकात नमाज से मुसलमान बना दिया। यह हमारे बुजुर्गों का हाल था, लेकिन आज का मुसलमान फजर में मस्जिद शिकायत कर रही है, जोहर में मस्जिद आंसू बहा रही है, असर में तुम मस्जिद में नहीं है। हम देखते हैं असर का वक्त है, मस्जिदों में मुसलमान नजर नहीं आता है, लेकिन सिनेमा घरों में मुसलमान नजर आता है, बाजार में मुसलमान नजर आता है, चौराहे पर मुसलमान नजर आता है, खेल कूद में मुसलमान नजर आता है। मेरे दोस्तों, वो मौजूद खुदा जिसने मस्जिद में आने के लिए पुकारवाया, मौजिद पुकार रहा है हय्या सलाम, आओ नमाज के लिए, हय्या फला, आओ कामयाबी के लिए। नमाज के लिए आते नहीं, और जहां पर कोई बुलाने वाला नहीं है, सिनेमा घरों में पैसा खर्च करके टिकट लेते हो और सिनेमा देखने चले जाते हो, शराब पीने चले जाते हो, जुए के अड्डे पर ताश के पत्ते खेलने चले जाते हो, जिस खुदा ने मस्जिद में आने के लिए पुकारवाया, मस्जिद का मौसिन पुकार रहा है, बांगी पुकार रहा है, वहां तो नहीं जा रहा है और बाजार में जा रहा है, सिनेमा घरों में जा रहा है, शराब पीने जा रहा है, जुआ खेलने जा रहा है। याद रखो, खुदा ने तुम्हें दिल दिया है, खुदा ने तुम्हें जिगर दिया है, तो इस दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत
اور رسول کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔